ब्लॉक एंड बी ब्लॉक में जो लोग रह रहे हैं, मैं आपको उनसे मिलवा के पार्ट वगैरह साथ है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे जाते हैं, ग्रोसरी कराते हैं, आप शाम को निकले, टेरेस पे बैठ के कॉफी पिए, जॉगिंग करें, सुबह उठे, एवरीथिंग इज अमेजिंग यहाँ की। बिल्कुल टोटल सफाई, माली और चौकीदार, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मेरा मेन मकसद है कि पुरसकून जगह पर रहना, तो मैंने इसलिए पार्क को रिकमेंड किया। अस्सलाम वालेकुम, स्काई मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं हनफा राजा और आप एक और नई वीडियो और नई सोसाइटी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहां मौजूद हूं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत रिहायशी मंसूबा है। यहां पे डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं वो बन चुके हैं, ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक, और यहाँ पे जो लोग हैं रिहायशी, उन्होंने रहना भी शुरू कर दिया है। अच्छा, CDA से अप्रूव ये सोसाइटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताती चलूँ कि डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ आप देखते होंगे जिनमें हम आपको डिवेलपमेंट के हवाले से बताते होंगे और सारी चीज़ों के हवाले से हम आपको बताते होंगे, लेकिन आज जो मेरी इस वीडियो का मकसद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रहनुमाई मिलेगी। वो ये कि जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं, जब वो अपना फीडबैक देते हैं तो वो आम लोगों के लिए, आप सबके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है कि यार सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि जो रिहायशी होते हैं ऑब्वियसली वही बता सकते हैं। तो आज मैं आपको सोसाइटी के अंदर लेके जाऊँगी, रिहायशियों से मिलवाऊँगी, जो कि बहुत अच्छा है। ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक में जो लोग रह रहे हैं, मैं आपको उनसे मिलवा के वो अपना फीडबैक जो देंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं और लोगों से मिलते हैं और उनकी राय जानते हैं। जी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों को रिहायशियों से मिलवाऊंगी। बिल्कुल, इस वक्त मैं घर के सामने मौजूद हूँ जो कि ए ब्लॉक में है, और मेरे साथ तनवीर साहब है, उनसे हम जानेंगे कि उनका यहाँ पे किस तरह वो रह रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज उनको यहाँ पे मिल रही हैं, और वो पुरमुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? जुलाई में शिफ्ट हुए थे यहाँ। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका? माशाल्लाह, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, दूर है, क्या कहेंगे, सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मौजूद है? मार्ट वगैरह साथ है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे जाते हैं, ग्रोसरी कराते हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी इश्यूज शुरू में थे हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी इश्यूज नहीं अब। तो मतलब आप देखे ना सामने, तो सारी चीज़ें बनती जा रही हैं, कमर्शियल हब यहाँ पे बन रहा है, सारे ब्लॉक यहाँ पे बनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं जो लोग देख रहे हैं आप उनको क्या बोलेंगे? मतलब जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं उनको ज़रूर आना चाहिए और आके अपने, मतलब ये इतनी फैसिलिटीज़ हैं, और मेरा तो ख्याल है, मैंने तो बहुत सारी और भी देखी हैं सोसाइटी, लेकिन इस तरह की एक्सीलेंट सोसाइटी मैंने नहीं देखी। बिल्कुल, अब तो आप लोगों को बिल्कुल यकीन आ चुका होगा कि ये एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार मौका है। तो नाज़रीन, आप यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और मैं आपको मज़ीद और भी रिहायशियों से मिलवाऊँगी जो कि बहुत अच्छा होगा। तो चलिए और लोगों से मिलते हैं। जैसे कि तनवीर साहब ने अभी कहा कि बहुत अच्छी सोसाइटी है रहने के लिए, वो उनको 6-7 महीने यहाँ पे हो गए शिफ्ट हुए हुए। अब इसी तरह ही मेरे साथ एक और रिहायशी हैं, फैसल साहब मुझे मिले हैं, मैं इनसे जानूंगी कि इनको इनका कैसा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, कितना टाइम हो गया फैसल आपको यहाँ पे? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले हमारे नाज़रीन को जो देख रहे हैं, ये सोसाइटीज और सोसाइटी से कितनी डिफरेंट है? मैं इसका डिफरेंस ऐसे आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं पहले विद इन इस्लामाबाद रहता था, और जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो ये थी कि कंफर्टेबिलिटी। बिल्कुल, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। रीज़न भी कि इसकी लोकेलिटी आप देखें, इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, आप शाम को निकले, टेरिस पर बैठ के कॉफ़ी पिए, जॉगिंग करें, सुबह उठें, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। आप मुझे माशाल्लाह लग भी हेल्थ कॉन्शियस रहे हैं, तो लगता है आप काफ़ी जो है वो जॉगिंग शॉगिंग करते हैं, तो क्या बोलेंगे, ट्रैक्स वगैरह यहाँ पे? बिल्कुल, मैं सुबह उठता हूँ, मैं तैयार होता हूँ जॉगिंग के लिए, बाहर निकलता हूँ, ट्रैक्स बने हुए हैं, मैं 1 घंटा जॉगिंग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जो है कम्फर्टेबल फील करता हूँ। उसकी वजह यह है कि सुबह मेरा टाइम गुजरता है यहाँ पर जॉगिंग करते हुए, उसके बाद मैं तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, शाम को फिर आके मैं आधा घंटा जॉगिंग करता हूँ, फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ, वॉक करता हूँ, किसी चीज़ का कोई। आप कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हो, सोसाइटी अच्छी हो, लोग अच्छे हो, रिहायशी मंसूबा अच्छा हो, तो जाहिर है फिर आपका बाहर निकलने का, रहने का दिल भी करता है, तो लोगों को क्या बोलोगे? मैं लोगों से यही बोलूँगा कि देखिए, इंसान घर बनाता है सुकून के लिए, और वो सुकून आपको ऐसी जगह, सुकून वाली जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर शोर शराबा ना हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपका एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं घर बनाने के लिए। इन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करें, और पार्क सिटी को मैं इस वजह से रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसकी लोकेलिटी, इसका इन्वायरमेंट आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लिविंग के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है।
जी जैसे कि आपने सुना कि फैसल साहब ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है ये, यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स हैं, वो सुबह उठते हैं जॉगिंग करते हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इस वक्त मेरे साथ एक और रिहायशी मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगी कि वो इस सोसाइटी के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख खिजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? वालेकुम सलाम, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। अंकल कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मुझे 2-3 महीने पहले ये खरीदा है, लेकिन अभी शिफ्ट मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन हो जाऊंगा आजकल। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये सोसाइटी और सोसाइटी से आपको कितनी डिफरेंट लग रही है? ज़ाहिर बात है कि ये एक खूबसूरत तरीन इलाका है, इसकी मेंटेनेंस है, इसकी सब कुछ है, जबकि अभी जो सीडीए के सेक्टर चल रहे हैं, हम G93 में रहते थे तो वहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं है, तमाम गंद हर चीज़ यहाँ की बिल्कुल टोटल सफाई, माली और चौकीदार एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहते हुए? ये इज अ ब्यूटीफुल सोसाइटी, इट हैज़ गॉट अ बिग स्कोप इन फ्यूचर इंशाल्लाह। जो देखने वाले नाज़रीन हैं, आप उनको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे प्लॉट खरीदें बनाएं, क्या उनको रेकमेंड करेंगे? मैं यही कहूँगा कि यहाँ से इससे बेहतर सोसाइटी कहीं नहीं है, और वो आए इसको खुद विजिट करें। मैंने अपने घर को एज ए विजिटर लोगों को, हज़ारों लोगों को, यानी सैकड़ों लोगों को तो मैं ज़रूर दिखा चुका हूँ। आते हैं, बात करते हैं और अंदर से विजिट करते हैं, कहते हैं बहुत खूबसूरत आपने सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट दो ब्लॉक्स हैं, ए और बी। ए में 5 मरला है और बी में 10 मरला है। उमर जो है वो ए ब्लॉक में शिफ्ट हुए हैं, नए रिहायशी, उनसे जानते हैं कि वो पार्क व्यू सिटी के हवाले से क्या बोलेंगे और कितना कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पे शिफ्ट हुए? मुझे भी अराउंड 1 मंथ हुआ। अच्छा उमर, क्या कहोगे कि इतनी पुरसकून जगह है, खामोशी है, मैं भी आई हुई हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा भी यहाँ पे रहने नहीं, का? नहीं बहुत अच्छा है, इवन कि हम लोग हमारे अपने घर इस्लामाबाद में भी हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत सिलेक्टेड एरिया चूज़ किए, हमने बाकी भी सोसाइटी से कंपेरिजन किया तो हमें पार्क व्यू सोसाइटी बहुत अच्छी लगी। पीसफुल जगह है, इस्लामाबाद की टेरिटरी में आती है और यहाँ के जो लोग हैं सारे वो एलीट क्लास यहाँ पे इस टाइम मूव हो रहे हैं, क्योंकि वही सुकून पसंद करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अपना, पहले मैंने घर बनाया ए ब्लॉक के अंदर 5 मरला का, और अभी मेरा प्लान ये है कि नेक्स्ट में जो है ना अपने जो फैमिलीज वगैरह भी हैं उनको भी मैं यहीं पे अभी मतलब कि मैं भी यहाँ पे देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रहना शुरू कर दिया, अच्छा लग रहा है, अच्छी सोसाइटी है, पुरसकून बहुत ज़्यादा है, और सबसे स्पेशली ये कि यहाँ पे जो हब बन रहा है कमर्शियल हब, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि उसके बारे में क्या बोलोगे? अब होता ही है कि हमारे इस्लामाबाद में भी हमें कोई भी चीज़ जब बाय करनी पड़ती है तो हम लोग ब्लू एरिया का एक्सेस करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सोसाइटी का प्लस पॉइंट ये है कि इसका मेन कमर्शियल हब, ऐसा इसको ब्लू एरिया भी कहेंगे, वो यहीं पर सराउंडिंग में बन रहा है, तो हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे, क्योंकि जो हमारा सेक्टर है वो भी करीब है, वहाँ से हम लोग इसको ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। हमें सोसाइटी में सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो हमें इस्लामाबाद के लिए जाने लोगों को ये बताओ कि लोग कहते हैं कि हम इतना दूर रहेंगे, कोई मार्केट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जाहिर है आपको जब सोसाइटी जब भी डेवलप होती है तो पूरे प्लान के साथ डेवलप होती है, तो वक्ती तौर पर लोगों को ये लगता है कि जगह आबाद नहीं है, जैसा ही आप एरिया देख रही हैं, आपने खुद भी विजिट किया हुआ, तो ये जगह ऐसा ऐसा आबाद होती है, 1 गो में, 1 साल में कोई भी चीज़ आबाद नहीं होती, तो जो लोग पहले डिसीजन ले लेते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि वो उस टाइम के ऊपर चीज़ें बाय कर लेते हैं, कल को चीज़ महंगी करके बाय करने से बेहतर है कि बंदा इनिशियल टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करे। तो जो देखने वाले हैं हमारे, उनको क्या बोलोगे कि वो यहाँ पर आए, शिफ्ट हों? जी उनको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पार्क व्यू का एक बार विजिट कर लें, जब वो विजिट करेंगे तो ऑलरेडी वो यहाँ पे इस पुरसकून माहौल को देख के कन्विंस होंगे और यहीं पर अपनी प्रॉपर्टी बाय करेंगे, क्योंकि मैंने भी जब यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय की तो मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया डिफरेंट सोसाइटीज़ का, तो मैंने इसके ग्राउंड लेवल सारा देखने के बाद फिर डिसाइड किया कि मैंने यहाँ पे एक तो इन्वेस्टमेंट पर्पस भी था मेरा, और मेरा मेन मकसद था कि पुरसकून जगह पर रहना, तो मैंने इसलिए पार्क व्यू को रिकमेंड किया। जी तो आज मैंने आपको मिलवाया है रिहायशियों से, आप लोग काफ़ी खुश हुए होंगे और सेटिस्फाइड हुए होंगे, क्योंकि जो यहाँ पे लोग रह रहे होते हैं किसी भी सोसाइटी में, जब आप उनके व्यूज़ जानते हैं तो ही आपको पता चलता है कि सोसाइटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और जितने भी लोग हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं यहाँ पर रह के, किसी को 4 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, और किसी को 2-3 महीने हुए, जो कि काफ़ी खुश है क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। मैं भी आपको यही कहूँगी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ ये मुस्तकबिल बहुत ही शानदार मनसूबा बनने जा रहा है। और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए www.skymarketing.com पर विज़िट कीजिए, और जो है हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए, इंस्टा को फॉलो करें, और सबसे आखिर में हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।